कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की मौत के बाद से ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। इसी बीच एक लाइव शो के दौरान संबित पात्रा पर जब इसे लेकर आरोप लगे तो वो बुरी तरह से भड़क गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। जी न्यूज के शो ताल ठोक के शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने बहस के दौरान उनसे कहा कि उनके शब्दों के कारण ही राजीव त्यागी की मौत हुई है, उन्हें जाकर त्यागी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें बार बार जयचंद कहकर उनकी जान ले ली गई। इस पर संबित पात्रा भड़क गए। गुस्से में संबित पात्रा ने घनश्याम तिवारी को कहना शुरू कर दिया कि आप भी जयचंद हो, अगर मैं ये कहूं कि राजीव त्यागी को जहर देकर मार दिया गया, आप लोगों ने उन्हें जहर दिया तो क्या होगा, मुझे हत्यारा कहा आपने, मैं कहता हूँ राजीव त्यागी की मौत पोस्टमार्टम के बिना आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी हत्या की गई। संबित पात्रा की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार 12 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वैशाली में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद राजीव त्यागी को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं सके। 12 अगस्त 3:40 पर त्यागी ने आखिरी ट्वीट किया था कि वो शाम 5 बजे एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे। राजीव त्यागी जिस टीवी डिबेट की बात कर रहे थे उसमें उनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा बहस कर रहे थे। राजीव त्यागी की मौत के बाद संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ गई है। राजीव त्यागी के निधन के बाद उनकी पत्नी ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने लखनऊ के हसरतगंज कोतवाली में तहरीर देकर राजीव त्यागी की मौत के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को जिम्मेदार बताया है। तहरीर में बीजेपी नेता संबित पात्रा सहित न्यूज चैनल के मालिक और एंकर को भी जिम्मेदार बताया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। शिकायत पत्र में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा पर आरोप है कि उन्होंने राजीव त्यागी पर अपमानजनक टिप्पणियां की, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया। राजीव त्यागी की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उनके पति ने मौत से पहले कहा था कि इन लोगों ने मुझे मार डाला। पत्नी का आरोप है कि डिबेट के दौरान राजीव त्यागी को संबित पात्रा ने जयचंद कहकर संबोधित किया था। पत्नी ने एक वीडियो जारी कर कहा, हमारा जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, मेरे पति के आखिरी शब्द थे इन लोगों ने मुझे मार दिया। संबित पात्रा ने मेरे पति को कहा था कि इन्हें अभी आग लगाने जाना होगा, मुझे संबित पात्रा से बात करनी है, वही हत्यारा है, क्योंकि मेरे पति ने आखिरी बार बोला था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।